तो इस रमजान तुम तरावी पढ़ना शुरू करोगी ना इंशाल्लाह से? मैं क्यों तरावी पढूं, तरावी तो मर्दों की होती है ना। अरे नहीं, तरावी तो सुन्नत है, तरावी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होती है, तरावी मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत है पढ़ना। पर मैंने तो सुनी हूँ कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्द लोग पढ़ते हैं और सिर्फ उनको ही पढ़ना चाहिए। अरे नहीं, तरावी तो सुन्नत है, सुन्नत नमाज है, इसे 20 रकात पढ़ी जाती है, दो दो रकात कर कर पढ़ी जाती है, ठीक है। तरावी पढ़ना सुन्नत है औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, ठीक है। तो इस रमजान फिर तुम तरावी पढ़ोगी ना इंशाल्लाह? पढ़ तो लूंगी, बट कुरान कैसे खत्म करूंगी तरावी में? तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो औरतों की जो तरावी होती है वो 20 रकात तरावी होती है, जिसे हम सूरे की तरावी बोलते हैं। औरत लोग तरावी के नमाज में सूरा पढ़ती है, 20 रकात जो नमाज होती है उसमें वो लोग सूरा पढ़ते हैं, कुरान के लास्ट 10 सूरा। आपको चाहिए तो मैं मेंशन कर दूंगी सूरा में, बता दूंगी। इस रमजान में तरावी को ना छोड़े, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नेकियां कमाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा आखिरी रमजान कब होगा।